डिप्टी खाजे अपना डीएसपी अली अहमद भट्ट अली अहमद भट्ट मंजली भट्ट डीएसपी अली भट्ट राणा अकरम जिन्होंने पैसे लैके साडा भरा मारिया ममदली भट्ट एस पी इकबाल टोन सब इंस्पेक्टर राणा अकरम पिछड़ा सी आई ए इन्होंने अली गुरदाले को पैसे लैके मारे साडा भरा अली गुरदाले पर इन्हें आप पैसे लेते हैं साडे सामने सारा कुछ है बंदे भी साडे कोल आए ने कौन से थाने ने मारे करोड़ रुपया लेके मारे लाका थाने के रसी उन्होंने मारे कौन से थाने ने कौन से चाहिए इसकी कार्रवाई हो और 302 का पर्चा पुलिस पे हो पुलिस का बनता है 302 का पर्चा चाहिए। इमरान खान ने अपनी कहा था कि मैं जब हुकूमत में आऊंगा तो मैं ये जाली जो मुकाबले हैं पुलिस वाले खत्म कर दूंगा। ये हुकूमत वालों ने बोला था जाली पुलिस मुकाबले नहीं होंगे पर जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। नहीं तो ऐसे ही बच्चे आएंगे दुनिया पे ऐसे ही मर जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, आज हमारा क्या है कल को औरों का भी जाएगा, किसी का भी जाएगा कल को। इन्होंने हमें इंसाफ चाहिए, खुद सुपारी ली है दुश्मनदार है, हम टिकेट नहीं है, समझ आई ना, हम दुश्मनदार है। 302 का हमारे ऊपर पर्चे है, ठीक है ना, हम खुद घर के दुश्मनदार बंदे हैं, चोर डाकू टिकेट नहीं है, हमें मिलकर आए थे। तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां थी, ब्लैक चुनट गाड़ियां थी, कोई गाड़ी नहीं थे। किस जगह से गिरफ्तार किया था? ये जामीरा से। ठीक है, और आपका क्या कहना है कि क्यों आपके भाई को कत्ल किया गया? हमारे भाई को जब गिरफ्तार किया क्योंकि इस पे कोई मुकदमा नहीं था, हमने जब पूछा कि हमारे भाई को क्यों गिरफ्तार किया, हमने दरवाज़ा खुद खोला है, हमने कोई मजाकमत नहीं की। उस दिन हमारी तारीख भी थी तकरीबन हमारे भाई की, उससे उसी दिन थी या उससे एक दिन पहले थी। हमारा भाई हम दुश्मनदार हैं, 302 में क्लियर था, वो भी किसी की वजह से इस पे पड़ी थी, कोई मुकदमा प्रूफ नहीं था आया अदालत में सामने। ठीक है, हमारे भाई को सिर्फ ये कहकर बुलाया था कि हम अभी 20 करोड़ रुपया लिया गया, हम अभी भेज देते हैं इसको, पूछताछ करनी है बाहर जाके। 1:30 बजे के दरमियान हमारा भाई जाता है और सुबह हमें डेड बॉडी मिलती है। ठीक है, और हमें हमारे भाई को इंसाफ चाहिए, कोई वारिस नहीं था, इंसाफ चाहिए, वहां पे छोड़ देते करो मैं मुद्रू करके 1:30 बजे दरमियान फायरिंग करके मेरे पुत्र नु लजा ले सन, मैं कहा कट लेके चले मंत्री भट्ट और दूसरा जरा अकरम भट्ट नाल अली भट्ट, तीन जने अंदर आए ने जवैद घोष भी नाल कहना इन्होंने अच्छे भी अभी पूछताछ करनी है। मैं 302 दे जमानत कर्म फरो है अली पुलिस वाले को 20 लाख रुपया 20 करोड़ रुपया लैके तो उसे पुलिस वाले ने मेरा पुत्र ने इन्होंने सी आई है अपना अखबार टाउन वाले ने इन्होंने काउंटर करके तो कहते हैं जी कहाँ पे इनकाउंटर किया? क्या नाम है उसका? चूंगा थाने के बच्चे दे तो उसे पर्चा दर्ज नहीं गया तो पर्चा अभी जाकर उसे करवाने पे। एक बंदा और बोल दे इसी एक कतवाली वालों ने ना इसको मार के ना फेंक दिया था मेरे बड़े भाई को। और क्या कहा पुलिस वालों ने? और यही बोल रहे थे हमारे पास नहीं है ऐसे है, ये उल्टे सीधे सवाल जवाब कर रहे थे। ठीक है, पर देख लें आपके सामने ही है। ठीक है भाई, क्यों कह रहे थे मेरे भाई को? मेरा भाई टिकेट नहीं है, ठीक है, हम दुश्मनदार हैं, मेरे भाई के ऊपर 302 का पर्चा था, ठीक है, फिर भी क्लियर है, तफ्तीश कर लें आप मेरे भाई की पड़ेगी। ठीक है, इस पर कोई भी पर्चा नहीं है, एक मलदार कर लेगा, इधर आ जाए एक मलदार, 302 के सिवा कोई